ऑर्गेनॉइड इंटेलिजेंस। हटो भूल जाइए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कहूँ तो कृत्रिम बुद्धि को, क्योंकि अब लैब में बन रहे ब्रेन। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीआर प्राइम टॉक्स। ऑर्गेनॉइड क्या है? हम सरल शब्दों में कहे तो ऑर्गेनॉइड प्रयोगशाला में विकसित ऊतक होते हैं जो अंगों से मिलते जुलते होते हैं। आमतौर पर स्टेम सेल से प्राप्त ये त्रिआयामी संरचनाएं लगभग 2 दशकों से प्रयोगशालाओं में उपयोग की जा रही है, जहां वैज्ञानिक गुर्दे, फेफड़े और अन्य अंगों के लिए स्टेम इन पर प्रयोग करके हानिकारक मानव या पशु परीक्षण से बचने में सक्षम रहे हैं। वैज्ञानिक एक नए क्षेत्र ऑर्गेनॉइड इंटेलिजेंस की घोषणा कर चुके हैं। तो देखते हैं क्या है ऑर्गेनॉइड इंटेलिजेंस। ऑर्गेनॉइड इंटेलिजेंस एक नई तरह की फील्ड है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकल्प है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को चिप या दूसरी तरह से डिवाइस में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ऑर्गेनॉइड इंटेलिजेंस इससे अलग है। ऑर्गेनॉइड इंटेलिजेंस लैब में तैयार ऑर्गन से जुड़ा हुआ है। वैज्ञानिक टिश्यू की मदद से लैब में इंसानी ब्रेन की कोशिकाओं को विकसित कर रहे हैं। इनकी मदद से ऑर्गेनॉइड इंटेलिजेंस काम करेगा। इसका इस्तेमाल बायोकंप्यूटर में किया जाएगा। बायोकंप्यूटर क्या होता है? वैज्ञानिकों ने ऐसा कंप्यूटर तैयार करने की बात कही है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस स्मार्ट सिस्टम को भी पीछे छोड़ देगा। यह अब सब कुछ होगा ऑर्गेनॉइड इंटेलिजेंस से। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कई गुना बेहतर होगी। बायोकंप्यूटिंग कंप्यूटेशनल शक्ति को बढ़ाने और हमारी वर्तमान तकनीकी सीमाओं को पार करने के लिए इसकी दक्षता बढ़ाने का एक बड़ा प्रयास है। ये बायोकंप्यूटर अल्जाइमर जैसी बीमारियों के लिए फार्मास्यूटिकल परीक्षण में संभावित रूप से क्रांति लाने, मानव मस्तिष्क में अंतर्दृष्टि प्रदान करने और कंप्यूटिंग के भविष्य को बदलने के लिए ब्रेन ऑर्गेनॉइड्स के नेटवर्क को नियोजित करेंगे। ब्रेन ऑर्गेनॉइड्स वास्तव में मानव मस्तिष्क के छोटे संस्करणों के समान नहीं होते हैं, लेकिन पेन डॉट साइज सेल कल्चर में न्यूरॉन्स होते हैं जो मस्तिष्क के समान कार्यों में सक्षम होते हैं, जो कई कनेक्शन बनाते हैं। आशा करता हूँ आपको कुछ नई जानकारी मिल रही होगी। मुझे प्रोत्साहित करने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते हैं। मानव मस्तिष्क बनाम कृत्रिम बुद्धि, द ह्यूमन ब्रेन वर्सेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक कंप्यूटर वास्तव में मानव मस्तिष्क के खिलाफ कैसे ढेर हो जाता है? एक सुपर कंप्यूटर मानव कैन की तुलना में भारी मात्रा में संख्याओं को तेजी से क्रंच कर सकता है। दूसरी ओर, एक मानव मस्तिष्क अधिक ऊर्जा कुशल होने के साथ साथ सीखने और जटिल तार्किक निर्णय लेने में बेहतर होता है। एक जानवर से दूसरे जानवर को बताने में सक्षम होना एक ऐसा कार्य है जिसे मानव मस्तिष्क आसानी से कर लेता है जो एक कंप्यूटर नहीं कर सकता। दिमाग में सूचनाओं को स्टोर करने की अद्भुत क्षमता भी होती है। डॉक्टर थॉमस हार्टुंग ने ऑर्गेनॉइड इंटेलिजेंस को प्रयोगशाला में विकसित मानव मस्तिष्क मॉडल में सीखने और संवेदी प्रसंस्करण जैसे संज्ञानात्मक कार्यों को पुनः पेश करने के रूप में परिभाषित किया है। हार्टुंग द्वारा वर्तमान में उपयोग किए जाने वाले मस्तिष्क के ऑर्गेनॉइड्स को ऑय या ऑर्गेनॉइड इंटेलिजेंस के लिए स्केल करने की आवश्यकता होगी। प्रत्येक ऑर्गेनॉइड में लगभग उतनी ही कोशिकाएं होती हैं जितनी एक फल मक्खी के तंत्रिका तंत्र में होती है। एक एकल अंग मानव मस्तिष्क के आकार का लगभग 1/3 मिलियनवां है, जिसका अर्थ है कि यह लगभग 800 मेगाबाइट मेमोरी स्टोरेज के बराबर है। वे बहुत छोटे हैं, प्रत्येक में लगभग 50,000 कोशिकाएं हैं। ऑय के लिए हमें इस संख्या को बढ़ाकर 10 मिलियन करने की आवश्यकता होगी, उन्होंने कहा। हार्टुंग को उम्मीद है कि एक दिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑर्गेनॉइड इंटेलिजेंस के बीच एक लाभकारी संचार चैनल होगा जो दोनों को एक दूसरे की क्षमताओं का पता लगाने की अनुमति देगा। शोधकर्ताओं ने कहा कि ऑर्गेनॉइड इंटेलिजेंस का सबसे प्रभावशाली योगदान मानव चिकित्सा में प्रकट हो सकता है। तंत्रिका विकारों वाले रोगियों की त्वचा के नमूनों से ब्रेन ऑर्गेनॉइड विकसित किए जा सकते हैं, जिससे वैज्ञानिकों को ये परीक्षण करने की अनुमति मिलती है कि विभिन्न दवाएं और अन्य कारक उन्हें कैसे प्रभावित कर सकते हैं। ऑर्गेनॉइड इंटेलिजेंस का उपयोग कहाँ किया जा सकता है? ऑर्गेनॉइड इंटेलिजेंस के साथ हम न्यूरोलॉजिकल स्थितियों के संज्ञानात्मक पहलुओं का भी अध्ययन कर सकते हैं, हार्टुंग ने कहा। उदाहरण के लिए, हम स्वस्थ लोगों और अल्जाइमर रोगियों से प्राप्त ऑर्गेनॉइड्स में स्मृति निर्माण की तुलना कर सकते हैं
और सापेक्ष घाटे को ठीक करने का प्रयास कर सकते हैं। हम ऑर्गेनॉइड इंटेलिजेंस का उपयोग ये परीक्षण करने के लिए भी कर सकते हैं कि क्या कुछ पदार्थ जैसे कीटनाशक स्मृति या सीखने की समस्या पैदा करते हैं। ब्रेन ऑर्गेनाइड्स मानव अनुभूति को समझने का एक नया तरीका भी खोल सकते हैं। आशा है आज आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और रेगुलर अपडेट पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन बटन दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद।